आज हम लोग क्लास वन हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 1 इस वंदना का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैं आप सब लोगों को ये कविता समझा दी थी। आप लोग अपना अपना बुक का पेज नंबर 4 निकालो। देखो पेज नंबर 4 है, यहाँ पे एक नंबर है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। हम लोगों को ये 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है अपने अपने कॉपी में। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। देखो क नंबर में क्या क्वेश्चन है, चांद कब चमकता है। चांद कब चमकता क्या चमकता है, चांद रात को चमकता है। चांद रात को दिखाई देता है कि नहीं। ख नंबर, वर्षा कौन लाता है। वर्षा कौन लाता है, वर्षा काले काले बादल होने से बारिश होती है कि नहीं। यहाँ पे लिखना कॉपी में आंसर सब लोग। तारे कहाँ दिखाई देते हैं, तारे कहाँ दिखाई देते हैं, तारे कहाँ दिखाई देते हैं, रात को आसमान में दिखाई देते हैं। दिन दिन में आप लोग स्टार देख सकते हो क्या, दिन में क्या निकलता है, दिन में सन निकलता है और मून और स्टार रात को निकलता है। सो तारे रात को आसमान में दिखाई देते हैं, ऐसे लिखना। दुनिया का दुख कौन हरता है, दुनिया का दुख भगवान हरते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि नहीं, जिसने सारा जगत बनाया हम उस ईश्वर के गुण गाएं उसे प्रेम से सिर झुकाएं। मतलब ईश्वर ने सारा जगत को बनाया है और हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं भगवान। दुनिया का दुख कौन हरता है, मतलब यहाँ पे लिखना दुनिया का दुख ईश्वर या भगवान हरते हैं। ठीक है, एक नंबर ख़त्म हुआ। देन 2 नंबर देखो, दिए गए शब्दों के सही शब्द चुनकर एक स्थान पर पूर्ति कीजिए। यहाँ पे एक एक ठो जो बॉक्स है, हम लोग ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ये 2 में से 1 यहाँ पे होगा। वो क्या होगा, इन दोनों में से यहाँ पे वो देखेंगे। वर्षा हो डैक्स, वर्षा हो रहा है होगा या रही है होगा, वर्षा हो रही है होगा। ठीक है, ख नंबर, भगवान सबका ध्यान डैक्स, भगवान सबका ध्यान रखती है या रखता है, क्या होगा, भगवान सबका ध्यान रखता है होगा, यहाँ पे रखता है लिखना। आओ गाना डेक्स, आओ गाना गाया होगा या गाए होगा, आओ गाना गाए। तारे चमक डेक्स, रहा है या रहे हैं, चारे तारे चमक रहे हैं। एक ठो स्टार है क्या, क्या बहुत सारे है स्टार, तारे हैं, सो यहाँ पे रहे हैं होगा, तारे चमक रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर ख़त्म हुआ। देन 3 नंबर देखो, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये सारे शब्द से हम लोगों को एक एक ठो सेंटेंस बनाना है। पहले है बादल, बादल को लगा के एक ठो सेंटेंस बोलो आप सब लोग, क्या होगा, बादल का एक ठो वाक्य गठन क्या होगा, बादल गरजने से बारिश होती है, होगा कि नहीं। देन आकाश, आकाश का क्या होगा, आकाश में काले काले बादल छा गए हैं। जब बारिश आती है तो आकाश में काले काले बादल छाते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे लिखना। भगवान, भगवान का एक ठो वाक्य गठन क्या होगा, भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं, लिखना। धरती, धरती का सेंटेंस क्या होगा, हम लोग धरती में रहते हैं, ऐसे होगा, या फिर हम धरती के लोग हैं, ऐसे लिखना। सुंदर, सुंदर को लगा के एक वाक्य क्या होगा, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा घर बहुत सुंदर है, ऐसे लिखना। वर्षा, वर्षा का क्या होगा, वर्षा होने से चारों ओर हरियाली छा जाती है, होगा कि नहीं, ऐसे लिखना। यहाँ कुछ अलग अलग भी लिख सकते हो आप जो। 4 नंबर देखो, सही अर्थ पर राइट का चिन्ह लगाइए। आशीष, आशीष का मतलब क्या है, बर्तन है या आशीर्वाद है, आशीष का मतलब क्या है, बर्तन, बर्तन तो नहीं हो सकता, आशीष का मतलब है आशीर्वाद, यहाँ पे टिक करना। ठीक है, ख नंबर, जग, जग मतलब संसार या पिता, जग मतलब संसार है। ठीक है,
ये सारा क्वेश्चन आंसर मैं आप सब लोगों को समझा दी हूँ। ये सारा होमवर्क है, सारा अपने अपने हिंदी कॉपी में करना और मुझे दिखाना, ठीक है। ये 3 ठो नंबर बुक में करना, 2, 3, 2, 3 और 4 नंबर, और 1 नंबर सिर्फ कॉपी में करना, ठीक है।